फेसबुक लाइव स्टार्टेड आचार्य। धन्वंतरि समारंभां जीवकाचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। अभी आयुर्वेद के विषय पर हम देख रहे थे, तो आयुर्वेद में विभिन्न रोगों के लिए विभिन्न औषधियां बताई है। एक औषधि भी अनेक रोगों में काम आती है, ऐसे भी कुछ औषधियां है और एक रोग के लिए अनेक औषधि भी हो सकती है। तो इसके लिए जो अलग 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 हम देख रहे थे पार्ट्स, उसमें से जो आज हम बात करेंगे वो दिनचर्या प्रकरण में होने वाली औषधियां, डेली यूसेस की जो वस्तुएं है उसकी बात हम करेंगे और उसमें क्या हमको उपयोग करना चाहिए उसकी हम बात करेंगे। खास करके ऋतु वाइज क्या क्या डेली का हमारा उपयोग की वस्तुएं होती है और उसको क्या लाभ करती है वो भी हम देखेंगे। तो खास करके जो हमारे उत्पाद है वो उसको ध्यान में रखते हुए हम बनाते हैं खास करके, तो इसके लिए वो समझ लेना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले आयुर्वेद में दिनचर्या प्रकरण में आता है कि ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, ब्राह्म मुहूर्ति उत्तिष्ठेत रक्षार्थम आयुष सदा। ब्राह्म मुहूर्त में उठना है आयुष्य की रक्षा के लिए और प्रतिदिन उठना है, सदा उठना है। उसके बाद उठने के बाद सबसे पहला तो भावात्मक रीत से कर दर्शन होता है, उसके बाद प्रार्थना होती है, क्योंकि वो एक भाव बहुत महत्व का है, जो सुबह का पहला भाव हम कौन सा लेते हैं। उसके बाद जब हम जाते हैं तो उसके लिए शौच वगैरह बताया है, उसके बाद मंजन बताया है, दंत मंजन, दातुन। दातुन जो लोग करते हैं वो एक बात याद रखे, लोग ये कहते नहीं है, मैंने बहुत दातुन की पोस्ट पढ़ी है, उसके ऊपर यूट्यूब के बारे में यूट्यूब में वीडियो भी मैं देने वाला, लेकिन दातुन सीधे न करे, उसको पहले थोड़ा कूट कर ले, मतलब थोड़ा थोड़ा उसको क्रश कर ले, थोड़ा क्रश करने के बाद फिर उसको चबाए। सीधे दांतों का वजन दातुन पर नहीं जाना चाहिए, पहले उसको सम्यक तरीके से किसी पत्थर वगैरह से पूरा का पूरा ये कर देना है और मांस के चबाने की शुरुआत करनी है। बहुत सारे इसके कारण है, उसकी चर्चा हम कभी करेंगे, लेकिन दातुन करने की विधि है पहले पूरा धो दे, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह ऊपर लगे होते हैं, तो दातुन आए तो सबसे पहले धो दे, उसके बाद थोड़ा वो करके उसके बाद वो चबाना शुरू करे एक बार, उसके बाद मंजन कर दे दातुन। मंजन जरूरी है दातुन करते हैं तो भी, क्योंकि दांत को साफ करना जरूरी है, बहुत चीजें खाते रहते हैं वो दातुन से नहीं निकाल सकते, उंगली से मंजन करके निकालते, इसके लिए हमारा मंत्र औषधि दंत मंजन आता है, वो उसमें बहुत सारी औषधियों से जो दांतों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उसमें औषधियां मिलाई गई, उसमें तेल मिलाए गए है, खास करके हीरे मेदादी है, खास करके लौंग तेल है, वो सभी तेल को मिला करके वो मंजन बनाया है, ताकि वो हमारे दंत हमको दंत रोगों से बचा सके, कृमि दंत से बचा सके, और साथ साथ में वो जिह्वा का लेखन भी कर सके। ऐसी भी औषधि है जो हमारी जिह्वा को साफ करे, उसके बाद जिह्वा को साफ करना है, उसके बाद यदि संभव हो तो एक क्वाथ आता है पंचवल्क क्वाथ, जो मुख के रोगों को दूर करता है, एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल प्रॉपर्टी है उसमें, तो उसको लेकर हमने एक क्वाथ को लेकर ही माउथ क्लीनर बनाया है, उसमें कर्पूर है, पंचवल्कल क्वाथ है वगैरह, तो उसके आप गार्गल कर सकते हैं, उससे आप पूरा एक चम्मच एक गिलास पानी में लेकर उसके गार्गल करें, ताकि मुंह में बदबू आना, पायोरिया होना, किसी भी प्रकार की जिह्वा में तकलीफ होना, मुंह में छाली होना, वो दूर हो जाता है, आसपास के सारा का सारा एरिया वो साफ कर देता है। तो इसके लिए लगभग लगभग कोई बनाता नहीं है ये माउथ क्लीनर, तो लेकिन वो बनता है तो केमिकल वाले बनाते हैं, केमिकल वाला बनता है, तो उसके स्थान पर हमने माउथ क्लीनर बनाया है। तो ये सुबह की
होगी। अभी खास करके ठंड है, ऐसे तो 12 महीना अभ्यंग करना है शरीर में, लेकिन यदि ठंड है उस 3-4 महीने खास प्रतिदिन शरीर में तेल लगाना है, अभ्यंग करना है, उसको मसाज करना है। घर पर ही कर सकते हैं तो मसाज खास करना है, और उसके बाद थोड़े सूर्य नमस्कार है, थोड़ा टहलना है, थोड़ी एक्सरसाइज है वो करना है, ताकि परिभ्रमण हमारा बराबर रहे, तो तेल अच्छी तरह से हमारा एब्सॉर्ब हो सके शरीर में। तो पहले याद रखे अभ्यंग करना है, बाद में चंपी करते थे लेकिन वो भी संभव नहीं है, जो व्यक्ति एक रखा जाता था, तो अभी हम खुद एक्सरसाइज कुछ छोटी कर सकते हैं, थोड़ी सूर्य नमस्कार वगैरह, लेकिन पहले अभ्यंग कर देना है शरीर में। अभ्यंग के लिए हमारे बालकों के लिए जो बाल रक्षा ऑयल आता है, वही बाल बला अश्वगंधादि तेल, तो बला अश्वगंधादि तेल हम कहें या बाल रक्षा मालिश तेल कहें, उसका आपको मालिश करना है, वो बालकों के लिए और बड़ों के लिए दोनों के लिए। तो वो बालकों को भी उससे ही करा सकते हैं, बड़े भी उससे ही कर सकते हैं। उसके बाद 15 मिनट थोड़ी एक्सरसाइज करके स्नान करना है। स्नान के बाद अवश्य ही, स्नान से पहले और उसके बाद में दोपहर में अवश्य ही तेल लगाना है। हमारा आता है ऑनियन ऑयल भी आता है और एक सिंपल हेयर ऑयल भी आता है, बालकों के लिए बाल रक्षा है। तो ऑनियन ऑयल तो जिसको बाल झड़ते हो उसके लिए बहुत ही अच्छा काम देता है। साधारण अवस्था में क्षीरपाक विधि से बना हुआ कोई भी तेल, या तो कोई भी हमारे आंवले से, भ्रूराज से बना हुआ तेल, उसमें हम दो बनाते हैं, ओनियन ऑयल भी है और खास करके वो भी है, और तेल भी एक सिंपल बनता है मंत्र औषधि केश तेल के, ओजस केश तेल, तो वो भी है एक, तो इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। शैम्पू में ओनियन शैम्पू है और एक सिंपल शैम्पू है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। उबटन का खास उपयोग कर सकते हैं, किसी को पंचगव्य का सोप ठीक लगता हो तो, बाल रक्षा का सोप ठीक लगता हो तो, बालकों और बड़ों के लिए दोनों के लिए बाल रक्षा सोप चलता है, और वो नूडल्स से बनते हैं, कोपरेल वगैरह के, और यदि वो प्रयोग नहीं करना चाहते तो बाल रक्षा स्नान रज करके आता है, उसमें अलग अलग औषधियों से वो स्नान रज बनाई जाती है, तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं उपटन के लिए, मतलब उसको घिस कर फिर आप उसको स्नान कर सकते हैं। उसमें विशेषता ये है कि वो एक अलग मिश्रण एक पद्धति से बनाया है, साधारणता से वो स्नान रज जैसी नहीं है, उसमें एक विशिष्ट सुगंध है गुलाब की, और उसके बाद उसमें अग्निहोत्र की भस्म जो ऊर्जा के लिए बहुत उपयोगी होती है उसमें वो भी मिश्रण किया है, तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं स्नान रज का। तो स्नान रज हो गया, वो जस पंचगव्य सोप हो गया, या तो बाल रक्षा सोप हो गया, या फिर शैम्पू दो प्रकार में से किसी भी प्रकार का हो गया, तो ये कर सकते हैं। बाद में नाक में डालने के लिए नस्य होता है, तो ये नस्य का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, नाक में डालकर उसको, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, नाक में उसको डाल सकते हैं, तो थोड़ा 2-3 बूंद इस में 2-3 बूंद उसमें ऐसे डालकर उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। आगे नस्य होने के, रोग नस्य में 2-3 प्रकार के नस्य है, एक तो यदि हमको गर्मी के रोग है तो हमको पंचगव्य नस्य नहीं करना है, जैसे आंख का लाल होना, नाक में से खून गिरना, पाइल्स होना, ऐसी अवस्था में हमको पंचगव्य नस्य यूज नहीं करना है, ऐसी अवस्था में हमको यष्टि मधु नस्य यूज करना है। और यदि हमको किसी भी प्रकार की सर्दी है, कोल्ड है, साइनस है, या कोई भी प्रकार का वायु का रोग है, तो उसमें हमको पंचगव्य नस्य का उपयोग करना है। नस्य के ध्यान रखें, एक ठंडा नस्य है और एक गर्म नस्य है, वो दोनों को आपको रोग वाइज या फिर स्वस्थता में भी आप देख सकते हैं कौन से दोष का प्रकोप है, तो उस तरह से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो स्नान हो गया, तो हेयर ऑयल है तो वो भी ओनियन ऑयल और सिंपल हेयर ऑयल मैंने बताया, उसका उपयोग कर सकते हैं। आगे नेत्रों के लिए, सुबह और शाम को हमारा नेत्र बिंदु आता है, उसका उपयोग कर सकते हैं, नेत्र बिंदु बहुत ही अच्छा है, किसी को जलन होती हो, आंखें लाल रहती हो, उसके लिए बहुत ही अच्छी दवाई, किसको डाल सकते हैं, 2-3 महीने से बालक को लेकर बड़ी उम्र के कोई भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी विशेषता ये है कि इससे जलन नहीं होती है, और आंखों में लगभग लगभग सभी रोगों में उसका उपयोग किया जाता है नेत्र में, तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। अभी ठंड की ऋतु है तो उसमें इम्यून प्राशन है, च्यवन प्राश है, मेध्य रसायनम है,
अल्फा अल्फा प्राशन है, ड्राई फ्रूट्स जो शुगर जिन लोगों को है और जो शुगर फ्री खाना चाहते हैं उसके लिए इसके स्टीविया वाला अल्फा अल्फा भी हमने स्टीविया वाला शुगर फ्री भी बनाया है। तो इसमें से कोई भी प्रकार का च्यवनप्राश का आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये च्यवनप्राश अभी सुबह खाने के लिए बहुत ही अच्छा है, तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद क्रम आता है सुबह नाश्ते का, उसमें दूध वगैरह आप ले सकते हैं। अभी ड्राई फ्रूट्स की सीजन है तो ड्राई फ्रूट्स थोड़े ले सकते हैं। आगे भोजन के समय पर, खास करके भोजन के बाद किसी को अपचन हो, ऐसी कोई तकलीफ हो, तो गैस्क्योर टेबलेट भी आई है, वो अच्छी है। पुदीन जीरा का मैंने बताया था, वो पाचन के लिए अच्छा है और भूख बढ़ाने के लिए भी उत्तम है। खाने से पहले 1 घंटे पहले यदि लेंगे तो भूख को बढ़ाएगा और आधा घंटे बाद लेंगे तो पाचन को बढ़ाएगा। तो ये इसका उपयोग पुदीन जीरा का दोनों तरह से हम उपयोग कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छी दवाई है। आगे अर्जुन चाय का उपयोग कर सकते हैं, मतलब दूध के साथ, दूध ना हो तो पानी के साथ भी उसको लिया जा सकता है। तो इस तरह से हम उसकी दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक हमने जो आज साधारणता से ये दी जानकारी, इस का प्रयोग हम इस तरह से कर सकते हैं। आगे दिनचर्या प्रकरण में ही आगे शाम का भोजन आता है, रात्रि को दूध आता है। उसमें दूध के साथ डालने वाली एक औषधि है, उसका नाम है मेमोरी ग्रेन्यूल्स। तो मेमोरी ग्रेन्यूल्स का भी उपयोग हम दूध में डालकर कर सकते हैं। उसमें अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी जैसी मेधावर्धक तो औषधि होती है, साथ साथ शक्तिवर्धक औषधि का भी हमने संयोजन किया है। तो मेमोरी ग्रेन्यूल्स दूध में डालकर सुबह 1 चम्मच और शाम को 1 चम्मच हम ले सकते हैं। तो दूध में डालकर ये लेने वाली औषधि है मेमोरी ग्रेन्यूल्स, वो भी छोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, दोनों के लिए होती है। अभी ठंड है तो साथ में मेमोरी ऑयल भी डाल सकते हैं। मेमोरी ऑयल का भी प्रमाण यही रहेगा, सुबह 2 बूंद और शाम को 2 बूंद। मेमोरी ऑयल को एक ध्यान रखना है, केवल वो थोड़ा तीक्ष्ण है, इसके लिए ठंड ऋतु में और बारिश की मौसम में ही उपयोग करना है, और खास करके 1 साल के ऊपर के या 2 साल के ऊपर के बच्चे को ही इसका प्रयोग करना है। मतलब बड़े कर सकते हैं, लेकिन छोटों के उपयोग में आपको या तो 1 ही बूंद देना है दूध के साथ, या बताशे के साथ उसको दे सकते हैं। तो इतनी औषधि जो थी वो डेली की रूटीन की औषधि का हमने अभी देखा। उसमें रात को सोते वक्त यदि पेट साफ नहीं होता है तो त्रिफला वटी ले सकते हैं आप, रोज ले सकते हैं, कोई हानि। और यदि थोड़ी ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो कोष्ठ शुद्धि चूर्ण ले सकते हैं रोज रात को 1/2 से 1/4 चम्मच, लेकिन वो हफ्ते में 2 या 3 बार ले तो अच्छा रहेगा। रोज की आदत कोष्ठ शुद्धि की न डाले तो अच्छा है, त्रिफला की आप डाले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोष्ठ शुद्धि नहीं लेना है, कोष्ठ शुद्धि आप अवश्य ले, हफ्ते में 4-5 बार तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन त्रिफला से ही हो जाता है तो त्रिफला से करिए, उसके बाद कोष्ठ शुद्धि का प्रयोग करें। जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसको खास ध्यान रखना है, आहार का खास ध्यान रखेंगे। भोजन के बाद अमलतास त्रिफला सिरप के फॉर्म में आता है, अमलतास जो होता है वो पेट साफ करने वाला एक बहुत ही अच्छी चीज है, तो उसका सिरप भी 2 टाइम लेकर बाद में त्रिफला लेंगे तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो कोष्ठ शुद्धि चूर्ण आप ले सकते हैं। वो किसी किसी को स्ट्रोंग लगता है, लेकिन कोई उतना स्ट्रोंग नहीं है तो वो आप अवश्य ही उसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत सारी औषधियां है। आगे तो अभी रात को जिसको नींद ना आती हो, शांत निद्रा ना आती हो, वो साउंड माइंड सिरप का भी उपयोग कर सकते हैं और मेध्य रसायनम का भी उपयोग कर सकते हैं। आप याद रखिए मेध्य रसायनम ऐसा है कि जिसको नींद ना आती हो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है, जिसकी याददाश्त कमजोर हो उसके लिए अच्छा है, जिसको अपने मानसिक क्षमता को बढ़ाना है उसके लिए बहुत ही अच्छा मेध्य रसायन। किसी को किसी वर्टिगो से लेकर टेंशन, हाइपरटेंशन से लेकर कोई भी हाई बीपी जैसी बीमारियां हो उसके लिए साउंड माइंड सिरप बहुत ही अच्छा काम करता है, साथ में मन शांति ऑयल भी काम करता है। दिनचर्या में बाद में हरड़ को आप ले सकते, त्रिफला गोली ले ली तो हरड़ आ ही गई, इसके लिए त्रिफला चूर्ण वटी जो आती है उसका भी आप सेवन प्रतिदिन कर सकते हैं। उसके बाद रात को सोते वक्त भी नस्या डालना है नाक में, माथे पर मालिश करने के लिए तो तेल आता ही है, वो तो है ही। तो
और मंजन करने के लिए, रात को मंजन है वो तो है, छोटे बच्चों के लिए रोज सुबह सुवर्ण प्राशन दिनचर्या में, शाम को अमृत प्राशन और दोपहर में बाल रक्षा, या फिर सुबह शाम तो सुवर्ण प्राशन सुबह देना है, शाम को अमृत प्राशन देना है, बाल रक्षा अमृत दोपहर में देना है, या दोनों टाइम दे सकते हैं एक एक चम्मच। लेकिन आइडियल डोज ये रहेगा बच्चों के लिए कि सुबह 4-5 बूंद सुवर्ण प्राशन, शाम को 4-5 बूंद 5-6 बूंद अमृत प्राशन, और दोपहर में 1/2 चम्मच पाचन अच्छे करने के लिए बाल रक्षा अमृत, ये 3 दवाई बालकों को नियमित देनी है। फिर यदि बुखार आ जाए तो बाल रक्षा ज्वर हर है, कफ बढ़ जाए तो बाल रक्षा कफ सिरप है, उसको रोज छोटे बड़े सबके लिए स्नान करने के बाद एक हम जो पाउडर लगाते हैं उसके स्थान पर हमने आयुर्वेदिक पाउडर बनाई है जो छोटे बड़े सबके लिए है, उसका नाम है टेलकम पाउडर। बड़ों के लिए ओजस टेलकम पाउडर है, छोटों के लिए बाल रक्षा टेलकम पाउडर है। उसमें कुछ औषधियों का फर्क करके उसमें डाला है, अग्निहोत्र वगैरह उसमें पड़ता है तो उससे पॉजिटिव एनर्जी बनती है, अलग अलग आयुर्वेद की भस्म उसमें आती है ताकि वो शरीर को पसीना को सोखती है, लेकिन पसी जो दूसरे पाउडर की तरह वो केमिकल का नहीं, आपको पता है दूसरे पाउडर केमिकल के आते हैं, साथ में उसको नेचुरल सुगंध गुलाब की हो या उसकी हो तो वो तेल के साथ उसको भावना देकर मिक्स किया होता है ताकि उसकी सुगंध भी बन जाए। तो जितने लोगों को रिव्यूज आए थे रिव्यूज इस विषय के, वो लोगों ने बहुत ही अच्छे रिव्यूज इसके विषय में दिए थे टेलकम पाउडर के विषय में। तो बाल रक्षा टेलकम पाउडर है और ओजस टेलकम पाउडर है, ये दो प्रकार के टेलकम पाउडर हम बनाते हैं। कान के लिए शुद्धता के लिए कान में भी ड्रॉप डाल सकते हैं कर्ण बिंदु के, किसी को कृमि है तो कृमि हर बूंद ले सकते हैं। तो इस तरह से अलग 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 रोग वाइज भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन खास करके बच्चों के लिए बाल रक्षा टेलकम पाउडर बहुत अच्छा है और बड़ों के लिए ओजस टेलकम पाउडर भी बहुत ही अच्छा रहता है, तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं जी। अमृत प्राशन का फिर से बताइए आप, अमृत प्राशन का क्या कहा आपने? हाँ अमृत प्राशन, हाँ जी हेलो, हाँ अमृत प्राशन प्लस अभी जिन्होंने वैक्सीन लिया है ये 2 दवाई ले सकते हैं, वैक्सीन की साइड इफेक्ट्स को दूर करने के लिए। बहुत लोगों को 2-3 दिन अनुभव ऐसा होता है कि उसमें स्टूल ज्यादा आता है, काला आता है, तो उसकी फिक्र न करें। अमृत प्राशन या अमृत प्राशन प्लस जो जो लोग ले रहे हैं उसको स्टूल में थोड़ा कालापन या स्टूल ज्यादा आना हो सकता है, वो टॉक्सिन्स को निकालता है, शरीर को शोधन करता है, इसके लिए ऐसा हो सकता है। सुबह दोपहर शाम विडंग तंडुल 1-1 कैप्सूल और अमृत प्राशन प्लस बच्चों को मंजन पहले अपने हाथ से उसको सिखाए थोड़े बड़े होने पर, और उसके बाद वो धीरे धीरे करने लगेगा, तो धीरे धीरे उसको सिखाइए, तकलीफ नहीं है। तब तक उसको कुल्ला करना सिखा दीजिए, तो उसको अच्छी तरह से वो कैसे साफ करना है वो सिखाना पड़ेगा, तो वो सिखाते रहिए जी। आगे दो सवाल है, एक मिनट में पूरा। तो इतना आप करें पाउडर का, लगभग लगभग सभी बातें हो गई है अभी। सुबह की दिनचर्या के जितने भी विषय के हमारे विषय के प्रोडक्ट थे उसकी बात मैंने अभी की है, तो अभी किसी के प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, और वो पूछे ही ताकि लिखने में कुछ समझ आता है कुछ नहीं आता है तो वो पूछ ले, एक 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 थोड़े आपको समय देंगे उसमें आप पूछ ले जी। गुरु जी मेरे 2 सवाल है। पहले तो जब किसी को फीवर आता है तो आम का पाचन करना होता है, तो उसमें वो आपने पहले जैसे बताया था कि आम के पाचन के लिए पानी में सूप डाल के पी सकते हैं, तो क्या फीवर में भी वो पी सकते हैं? तो क्या फीवर में भी पानी में सौंठ डालकर, फीवर में भी थोड़ा आप फीवर में भी पी सकते हैं, सौंठ डालकर पानी पी सकते हैं, केवल अकेली सौंठ डालकर भी पी सकते हैं, और एक षडंग पानी हम करते आता है, 6 वस्तु पानी में डालने की बताई है, उसका लिस्ट मैं कल भेज दूंगा आपको, राजेश्वर राव जी भेज देंगे। वो 6 वस्तु से भी पानी को उपयोग करे तो जब जब और थोड़े दिन में हम गुरुकुल से बनाने वाले,
वो डालकर आप पानी को उबालेंगे तो षडंग पानी यम करके बताया है, तो उसको डालकर आप पिएंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है जी। और दूसरा सवाल ये है कि हम रात को जो ब्रह्म रसायन है वो दूध के साथ ले या पानी के साथ ज्यादा अच्छा? वो किसी एक एक चम्मच खाकर बाद में आप कुछ भी खा सक पी सकते हैं, पानी या दूध। दूध रहेगा तो अच्छा रहेगा, गाय का दूध, वो नहीं मिला तो पानी। जी आगड़े जी भैया आप पूछते जाइए कोई भी, आगे आगे बताइए जी। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल बहुत से लोगों में स्लिप डिस्क की समस्या बहुत ज्यादा हो गई है, तो उसका निवारण और कारण आप थोड़ा बताएंगे अगर थोड़ा जी? उसके लिए कुछ विशेष औषधियों का हम प्रयोग आगे बताने वाले हैं, तो वो हम आगे सेशन में लेने ही वाले हैं। तभी मैं स्लीप से रिलेटेड जितनी भी और खास करके जो गर्दन के ऊपर के जितने रोग है उसके बारे में मैं डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ। उसके ऊपर कैसे होते हैं और अग्नि कर्म जैसे कर्म कैसे काम करते हैं, आप घर पे क्या कर सकते, तो मेरे हिसाब से वो बाद में ही लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो और किसी का है तो आप याद रखिए अपना ये प्रश्न, मुझे लगभग लगभग कल या परसों अगले सेशन में उसको पूछ लीजिए तो मैं उसके बारे में पूरा बताऊंगा जी। आगे जी सर जी, मैं ये पूछ रहा था कि क्या हम बोखरू, अश्वगंधा और गिलोय का 100 ग्राम यदि पाउडर ले लें और मिला के उसको जार में भर लें तो रोज गिलोय, एक मिनट, गिलोय गोखरू और अश्वगंधा, तो इन तीनों का पाउडर का मिश्रण करके हम रोज ले सकते हैं सामान्य शक्ति के लिए? ले सकते हैं, लेकिन आपको कॉम्बिनेशन गिलोय गोखरू और आंवला का आयुर्वेद में दिया हुआ है रसायन चूर्ण के नाम से, तो रसायन चूर्ण ही ले सुबह और शाम को केवल अश्वगंधा ही ले, ऐसा भी आप कर सकते हैं ना, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन कुछ सोच समझ कर बनाया होता है आयुर्वेद में। एक व्यक्ति ने अभी एक पोस्ट डाली थी कि 140 वस्तु डालकर एक चूर्ण बनाया है, 140। तो उसने बताया और पोस्ट ऐसी लिखी कि दुनिया में पहली बार, तो मैंने पढ़ा कि ये है कौन, तो एक था कोई, उसने कोई कोर्स किया था और ऐसा उसने बताया। वो तो वो ठीक है, कोई भी व्यक्ति करता है, तो लेकिन दावा किया कि ये पहली बार। तो फिर मैंने पूरा पढ़ा उसको, फेसबुक में आई थी कि अच्छा क्या है, बोले 140। वाग्भट ने केवल 14 डालकर बनाई, चरक ने केवल 20 डालकर, इसने 140 वस्तु डाल। तो 140 तो लोगों को तो तुरंत आकर्षित हो जाता है, 140 उसको तो लगता है 140 के गुण पूरे के पूरे मेरे शरीर में आ जाएंगे। तो लोग को ये 100 अंक का होता है ना आंकड़ा, आप बड़ा बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो 140 कितने प्रमाण में जाएगी वस्तु, मतलब तो एक ही गोली है उसको या एक ही चम्मच चूर्ण देना है। तो वो एक याद रखे, आयुर्वेद के फॉर्मुलेशन बहुत कुछ देख कर बनाए जाते हैं। आजकल जो पेपर में आते हैं वो 4-5, एक इधर से लिया एक उधर से, जैसे अश्वगंधा का काम होता है वो शक्ति वो ग्रहण करता है, गोक्षुर है वो मूत्र मार्ग के रोगों में, केश्य है बल्य है ये काम करता है, स्वर अच्छा करता है, उसके मिश्रण के लिए आयुर्वेद में तीनों को रसायन के गुण की प्राप्ति हो इसके लिए उन्होंने बताया है गिलोय गोक्षुर और आंवला, उसको रसायन चूर्ण, तो आप वही लीजिए तो लाभ ज्यादा मिलेगा। उसके बाद आपको शक्ति की जरूरत है, आप अश्वगंधा वाला कोई कॉम्बिनेशन लीजिए जिसमें ये सब कुछ हो, तो मेरे हिसाब से आपको रसायन चूर्ण लेना है और उसके बाद आपको अश्वगंधा का प्रयोग स्वतंत्र रीत से, अश्वगंधा, शतावरी, विदारीकंद, इस तरह की ग्रहण वस्तुओं लेकर करना होगा जी। गुरुजी, मेरी बेटी 2 साल की है, मैंने आज तक उसको कोई चॉकलेट बिस्किट के साथ कुछ भी नहीं दिया है, उसकी बॉडी में नहीं, एक मिनट, धीरे धीरे धीरे, क्या उसको दांतों में फिर भी सड़न लग रहे हैं, तो कुछ कैल्शियम की कमी से ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है? देखिए राजेश्वर जी क्या बता रहे हैं, आपका सिग्नल थोड़ा कम है सपना जी। ओके ओके ओके, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं बोल रही हूँ कि उसने आज तक चॉकलेट बिस्किट क्या है उसको पता ही नहीं, उसने खाया ही नहीं है, फिर भी उसके दांतों में सड़न है, तो क्या उसकी कैल्शियम की कमी होगी उसमें? जी, 2-3 बातें ध्यान रखें।
एक दांत केवल जो सड़ते हैं वो केवल चॉकलेट चॉकलेट और बिस्किट भी उसका एक कारण है, उससे भी सड़ सकते हैं और ज्यादातर उसी से सड़ते हैं आजकल के बच्चों के, लेकिन केवल एक ही कारण नहीं उसका, दूसरा कारण उसके शरीर में उसके पेट में रहने वाले कृमि भी होते हैं और पेट के कृमि से कृमि दंत नाम का रोग दांतों में होता है। तो इसके लिए पहले आप देख ले उसके पेट में कृमि तो नहीं है, कृमि है तो फिर दांत की चिकित्सा को बाद में करें, पहले पेट की चिकित्सा को करें, क्योंकि आयुर्वेद का ये बहुत ही महत्व का सिद्धांत है कि किस अंग के साथ कौन सा अंग जुड़ा है। हो सकता है आपको एक अंग में दर्द हो लेकिन आपकी दवाई दूसरे अंग की हो जाए, वो एलोपैथी में तो दवाई दांत की करते रहेंगे लेकिन जब तक पेट का आप कुछ नहीं करेंगे उसका, तब तक उसका तकलीफ दूर नहीं होगी क्योंकि वो पेट से जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए आप एक बात याद रखें, पेट उसका साफ रखे, उसको कोई ना कोई औषधि उसको अवश्य दे, कृमि हरबूंद हमारे आते हैं वो दे सकते हैं, घर पे विडंग वगैरह दे सकते हैं, अजवाइन उसको खिला सकते हैं रोज आधा चम्मच जितना, तो उसको आप रोज ऐसी कुछ औषधियां घर पे दे। मैं और घर के कौन सी औषधियां देनी है उसका एक अलग वीडियोस में मैं कहने वाला हूँ, लेकिन अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि घर पे अजवाइन दे सकते हैं, उसको विडंग दे सकते हैं, पानी के साथ उसको ये दोनों दे सकते हैं, और खास करके उसके दांत को साफ दो बार दिन में करना है, एक सुबह में और एक शाम में। चॉकलेट बिस्कुट नहीं दे रहे अच्छा है, लेकिन अभी आप दूध भी पिलाएंगे रात को या शाम को तो उसके दांत को साफ करेंगे, मधु भी चटाएंगे तो साफ करेंगे, तो वो भी उसको याद रखना है कि दांत के लिए बहुत कुछ है। और खास करके साफ सफाई उसकी माउथ क्लीनर आती है वो भी डालकर आप उसका मुंह साफ कर सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये एक करना है। और दांतों की एक औषधि आती है तो उसको आप शुरू कर सकते हैं, दंत तेलम करके, अभी तो है नहीं हमारे पास लेकिन वो आएगा तब हम उसका दे देंगे, या बाहर से आप किसी से भी इरे में दादी तेल ले सकते हैं और उसका प्रयोग आप वो दांतों के लिए कर सकते हैं। लेकिन कृमि की चिकित्सा करें तो वो अब जो दांत आएंगे वो अच्छी तरह से आएंगे और लंबे टिकेंगे। जी हेलो आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी हमारे तीन क्वेश्चन है। पहला तो पायरिया जो होता है ये जैसे ज्यादा पुराना हो जाता है अगर पायरिया रोग क्या पायोरिया तो ज्यादा पुराना हो जाता है 15 साल 10 साल 20 साल तो क्या ये कभी सही नहीं होता क्या? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि 27-28 साल की उम्र में ही बाल पकना ये नेचुरल है कि मतलब पकता ही है? 27-28 साल मतलब सफेद होना पहले मैं पूछता हूँ। एक तो आपने बात पायोरिया की। हाँ, पायोरिया एक मुख रोग में उसकी गिनती हुई है। मुख रोगों के बहुत सारे कारण है, उसमें कफ का ठीक नहीं होना, कफ की विकृति होना वो मुख्य कारण है। इसके लिए आपको जिसको भी पायोरिया हुआ है उसको परहस बहुत ही आएगी और वो परहस को उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे परहस में दूध उसको नहीं पीना, छाछ उसको नहीं पीनी जिसको पायोरिया हुआ है उसको। अब एलोपैथी में ये नहीं बताया गया है, आयुर्वेद में गुण दूध के भी बताए हैं, छाछ के भी बताए हैं और पायोरिया वाले को ये नहीं लेना है वो भी बताया है। तो पायोरिया वाले को दुख होता है कि बहुत मेरे पास ऐसे आते हैं कि तो वो सब उसको दूध पिलाते हैं, दूध पीते हैं कि दूध पीना चाहिए, छाछ पीनी चाहिए, कैल्शियम होता है। पायोरिया रोग का कारण कैल्शियम की कमी नहीं है, पायोरिया का रोग का कारण अलग है। तो इसके लिए उसको कैल्शियम के साथ उसको कंपेयर नहीं करना चाहिए। कोई भी दांत के रोग का कारण कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। अवश्य कैल्शियम के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, दूध नहीं ले सकते, जैसे चूना ले सकते हैं, चूने का पानी ले सकते हैं, कैल्शियम ड्रॉप ले सकते हैं और कोई पदार्थ ले सकते हैं, लेकिन केला दूध ये सब नहीं ले सकते हैं क्योंकि उससे पायोरिया बढ़ेगा। तो यदि आपके पायोरिया है तो दो टाइम उसको कोई भी जंतुघ्न तेल से, खास करके इरे मेदादी तेल से उसको उसको करना है। और खास करके आपको दातुन में 2-3 दातु बदल बदल कर दातुन करना है। एक तो करंज का दातुन हो गया, एक बकुल का दातुन हो गया, तीसरा वट वृक्ष का दातुन हो गया।
ये तीनों को बदल बदल कर हफ्ते में करना है, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये। इस तरह से पायोरिया का उसके जो जंतु होते हैं वो अलग अलग जो वनस्पति के रस होते हैं वो रस से मरते हैं। तो आपको दातुन का अभ्यास अवश्य ही करना है क्योंकि वो सीधा स्वरस चाहेगा, उसके बाद मंजन कर लेना है। और थोड़ी बात याद रखनी, आपने कुछ भी चिकनापन चिकना खाया तो उससे दांत आपको अवश्य साफ करना है, पेट साफ रखना है। पेट साफ नहीं होता है तो भी दांतों के बहुत सारे रोग होते हैं, उसमें से भी एक पायोरिया ये हो सकता है। कफ वर्धक आहार विहार आहार का त्याग करना है, वो मैंने बता दिया, दूध दही छाछ ये सब छोड़ देना है, केले छोड़ देने हैं, ऐसा कफ वर्धक आहार को छोड़ देना है। और खास करके कफ को नहीं बढ़े, नस्य रोज लेना है, वो भी फायदा करेगा आपको। गंडूस कवल रोज करने हैं, अच्छी तरह से मुंह को साफ करना है, तो पायोरिया में अवश्य ही आपको फायदा मिलेगा। जी आचार्य जी, जैसे खट्टा भी नहीं खा सकते पिकल वगैरह? नहीं, वो नहीं खा सकते आप, क्योंकि पायोरिया है तो वो उससे बढ़ता है, मतलब खट्टा आपने कुछ खाया तो बढ़ेगा। आप एक काम कर सकते, ले सकते हैं कोई भी चीज, लेकिन जैसे आंवला है तो तकलीफ नहीं होगी, वो ले सकते हैं, लेकिन इस तरह की कुछ ले नहीं सकते आप, जैसे अचार है वगैरह नहीं ले सकते। जी प्रणाम आचार्य जी। जी पहला मेरा क्वेश्चन आचार्य जी ये कि जैसे हम नस्य लेते हैं तो रात को जैसे हमने दो दो ड्रॉप्स नस्य लिया है तो उसके बाद हमें मतलब कितनी देर तक लाइक हम कुछ बोल नहीं सकते हैं या खा नहीं सकते हैं, ये एक कॉमन क्वेश्चन आता है। और दूसरा जैसे गुरुकुल में जैसे होता क्या है कि हम किसी पेशेंट्स को कुछ मेडिसिन देते हैं गुरुकुल की, तो उसके लिए एक जो बॉडी की जो मेन होती है कि दो एलर्जी होती है, तो जैसे कपड़े उतारते हैं लोगों को तो खारिश बहुत होती है, एकदम से कपड़े उतारे तो उनको खारिश की बहुत प्रॉब्लम रहती है, आर्टिकेरिया का बहुत प्रॉब्लम रहता है, और जैसे सुबह उठते तो एकदम छींकें लग जाती हैं, तो इनके लिए हम गुरुकुल में कुछ अभी रेडी कर रहे हैं या उनके लिए हम क्या दे सकते हैं फिर? देखिए पहला तो आपने जो एक तो ये हो गया नस्य के बारे में, ऐसा है कि नस्य जब तक पूरा का पूरा चला न जाए शीर तक, मतलब आप 100 से 150 गिनने का बताना है, किसे 100 गिनो, तो ऐसे उसको सर ऐसे रख कर उसको नस्य करने को कहना है। और नस्य करने के बाद 100 तक गिनना है, मतलब 120 तक गिनना है ऐसा बताना, उसको ऐसे ही रखकर 120 तक गिनना है, तब तक वो तेल चला जाता है अंदर, उसके नाक साफ है तो, मतलब ये भाग यदि उसका स्वच्छ है तो, नहीं तो पहले स्वच्छ कराना है उसको। क्या है कभी कभी लोगों के कफ भरा हुआ होता है फिर नस्य करते हैं, नस्य पहुंचता नहीं, तो इसके लिए वो यहाँ रह जाता, तो पहले उसको बताना है कि नाक साफ कर दो यदि कफ वगैरह है तो, आपको नहीं है तो कोई तकलीफ नहीं, उसके बाद वो दोनों बूंद डाल दो उसमें और 100 से 120 तक गिनो ऐसे ही रहकर, और उसके बाद आप हो जाओ तो वो चला जाएगा, वो तो इतना ही है। दूसरा क्वेश्चन का असात्म्यता, एलर्जी कहते हैं उसको, अलग अलग प्रकार की, वो एलर्जी को आप मतलब अलग अलग एलर्जी के लिए दवाई भी अलग अलग आएगी, असात्म्यता के लक्षण के अनुसार भी दवाई आएगी, तो ऐसी कोई कॉमन दवाई तो नहीं बना रहे अभी, लेकिन भविष्य में ऐसा विचार है कुछ करके कि असात्म्यता शरीर को कोई चीज का अच्छा न लगना, तो उसको दोष वाइज मतलब कफ पित्त वात क्या किस किस तरह के दोष है, उस दोष को मतलब उस दोष को देखकर हम उसकी कुछ विशेष दवाई बनाए। जी आगे प्रणाम गुरु जी। मैं पूछना चाह रही थी गुरुजी की जो टेलकम पाउडर है जिनके शरीर से बदबू आती है उसके लिए भी वो सही होगा? उसके लिए भी पहले काम ये देखिए, एक तो उसका ये होगा, लेकिन दूसरा ये कारण है कि शरीर में पसीने से जो बदबू आती है ना जी, पसीने से जो बदबू आती है तो उसके लिए एक तो उसको स्नान में उपटन से स्नान कराइए, उपटन से स्नान करने को बोलना है, जो उपटन आता है उसको दूध में थोड़ा डाल करके करे तो अच्छा है, नहीं तो अंत में पानी में डालकर भी कर सकते, उपटन से स्नान कराए और उसके बाद इसका पाउडर का प्रयोग करे, उससे बहुत ही अच्छा लाभ होगा।
जी उपटन उपटन कौन सा गुरु जी? स्नान रज आती है हमारी, मतलब अच्छा अच्छा स्नान रज ऐसा नाम है उसका। अच्छा और जी जी प्रणाम आचार्य जी। हाँ नहीं कुछ अधूरा है उसका, क्या कहे? हाँ आपका क्या मेन प्रश्न था? नहीं नहीं वो पहले वाला प्रीवियस नहीं ना म्यूट कर दिया आचार्य जी वो। ओके मैं और एक मौका देता हूँ। ओके आचार्य जी अभी प्रणाम आचार्य जी। एक तो गंडू ऑयल पुलिंग के बारे में थोड़ा बताइए प्लीज, और दूसरा या ऑयल पुलिंग उसी को कहते हैं ना जी, जी, हाँ, जी, जी, जी तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। और कोई ऐसी अवस्था है क्या जिसमें वो नहीं करना चाहिए? अभी देखिए उसमें एक तो उसका मैं दूसरा दूसरा सुवर्ण प्राशन के बारे में था। अभी आपने बताया अच्छा। कि बच्चों को रोज सुबह सुवर्ण प्राशन देना चाहिए जी, जी, जी। और एक और मतलब आप अक्सर बताते हैं कि पुष्य नक्षत्र में सुवर्ण प्राशन देना चाहिए। बराबर है ठीक तो है दोनों अलग अलग समझिए दोनों अलग अलग है वो मैं बताता हूँ। पहले तो ये बात कि जो बंडूष करने हैं कवलात षोडशात वर्षात कुल्ले बाद में करना सीखता है बालक, सबसे पहले क्या करता है उसको केवल साफ करना है इस तरह से। तो पहला ये बात जान ले कोई तेल का वगैरह है तो उसको बाहर निकलना होता है, जैसे हीरे में दादी तेल से लेकर सब कुछ तेल करते हैं तो उसको पहले एक बार घुमा देना है पूरा और उसके बाद उसको निकालना है। उसको गर्म पानी में कोई भी प्रकार का तेल का आप उपयोग करेंगे उसको गर्म पानी में थोड़ा डालकर वो पानी से भी आप कर सकते हैं और थोड़ा तेल लेकर भी उसको उसके मतलब कर सकते हैं। जैसे कोई लिक्विड आता है तो उसका उपयोग करते हैं हम, पाथ का उपयोग करते हैं वो भी पानी के साथ हम कर सकते हैं, लेकिन याद रहे गर्म पानी के साथ करना है, थोड़ा तो गर्म होना चाहिए वो पानी। किस अवस्था में नहीं कर सकते है, मुंह में छाले हो तब गर्म पानी का उपयोग नहीं करना है, कोई गर्म तेल का उपयोग नहीं करना है, तब वो पंचवल कल्पवात वगैरह से साफ करके उसके बाद किसी को भी कुछ लगाना है। तो ये एक हो गया हमारा। बुखार वगैरह जैसी स्थिति में उसको ठंडे पानी से नहीं करना है क्योंकि ठंडा पानी उस समय नहीं लिया जाता है, तो उस समय हम कर सकते हैं लेकिन गर्म पानी से कर सकते हैं। तो ये एक सावधानी रखनी है, रोग वाइज उसको गर्म पानी लगना या ठंडा पानी लगना, तो बहुत जलन हो तो उस समय हम गर्म पानी से नहीं ठंडे पानी से। तो ये एक हो गया। विशेष कोई दांत के दर्द हो सर्जरी हुई हो तो उस समय उसको नहीं करना है, वो तो सर्व को पता ही होता है, बाकी के सभी अवस्था में आप उसको कर सकते हैं। आगे दूसरा प्रश्न था आपका सुवर्ण प्राशन जी। सुवर्ण प्राशन में एक बात याद रखे, सुवर्ण प्राशन दो प्रकार के है, एक तो पुष्य नक्षत्र वाला डोज है जिसमें विशेष मात्रा सुवर्ण भस्म की होती है, वो एक विशेष नक्षत्र में दिया जाता है, वो पहला श्री गुरुजी को उन्होंने डोज फिक्स करके डेली का डोज देना है डेली, और पुष्य नक्षत्र वाला डोज केंद्र में जाकर देना है ऐसा नियम था। कोरोना की वजह से वो भी घर पर भी हमने शुरू किया, दो तीन थोड़े दिन हुए है 7-8 दिन, घर पर भी वो पुष्य नक्षत्र वाला मंगा कर ले सकते क्योंकि केंद्र चालू हो रहे हैं तो चालू है, कहीं कहीं फिर बंद हो जा रहे हैं कोरोना की वजह से ज्यादा केंद्र बढ़े तो निशुल्क पुष्य नक्षत्र वाले हम यहाँ से भेजेंगे आपको। तो दोनों है, पुष्य नक्षत्र के दिन जो विशेष डोज आता है वो तो देना ही है, साथ साथ में रोज भी बालकों को सुवर्ण प्राशन देना है। तो इस तरह से दोनों डोज है, एक पुष्य नक्षत्र वाला और एक सिंपल डोज, मतलब सादा सुवर्ण प्राशन और विशेष सुवर्ण प्राशन में पुष्य नक्षत्र वाला सुवर्ण प्राशन की हम बात करते हैं। उसमें सुवर्ण की मात्रा ज्यादा आती है, तो सिंपल सुवर्ण प्राशन भी है और विशेष सुवर्ण प्राशन भी उसमें है। दोनों में इतना फर्क है कि वो एक विशेष डोज है, विशेष सुवर्ण की मात्रा है और उसको पुष्य नक्षत्र में दिया जाता है। पुष्य नक्षत्र कब कब होता है उसका पूरा डिटेल राजेश्वर जी को मैं बताऊंगा कि वो लिस्ट में रख दे ताकि पूरे साल की डेट लोगों को पता चले। दूसरे जो लोग सुन रहे वो भी कहे कि अभी हम पूरे केंद्रों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसके लिए जो जो लोगों को ये पता नहीं है आप अपनी जगह पर भी केंद्र खोल सकते हैं, उसका एक सिंपल रजिस्ट्रेशन कराना है केवल, तो उसको भी आप वो जानकारी ले लीजिएगा कि केवल उसको कल फोन करके आप पूछ लीजिएगा तो पूरा मंथन भाई उसको समझा देंगे। तो आपके सिटी में यदि कोई केंद्र नहीं है
या आपके नजदीक में कोई केंद्र नहीं है तो वो आप भी शुरू कर सकते हैं सोसाइटी के बालकों के लिए। उसमें सर्टिफाइड पूरा आता है, कोई उसको भय करने की बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसको शुरू कर सकता है। हर एक पुष्य नक्षत्र में यहाँ से निःशुल्क रूप से डोज भेजा जाएगा। डेली वाला जो सुवर्ण प्राशन है वो डेली लेना है बालकों को, और वो सुबह लेना है, तो आयुर्वेद की दृष्टि से उसको सुबह ज्यादा लाभ मिलता है। कुछ रह गया तो कुछ खाकर 15-20 मिनट के बाद भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ खा लिया तो फिर उसको लेना है, और अमृत प्राशन शाम को लेना है। तो ये दोनों डोजेस से पुष्य नक्षत्र वाला सुवर्ण प्राशन पुष्य नक्षत्र के दिन, और रोज देने वाला सुवर्ण प्राशन डेली डोज डेली। जी जी गुरु जी, हमारा ही क्वेश्चन एक बाकी रह गया था जो कि खुद मुझे ही परेशानी है। बहुत पहले मतलब एक दो महीना पहले आपसे बात हुई थी हमारी कान में जो तकलीफ की बात थी जी। तो कान की तकलीफ में हमने एलोपैथी की तो सारी जांच करा ली, उन्होंने ये बताया कि जो ब्लड फ्लो होता है ना ऊपर नीचे उससे जो आवाज होती है जिसकी वजह से हमारे कान में हमेशा झिंगुर की आवाज होती है, तो आपके यहाँ का हम कर्णबिंदु डाले लेकिन अभी तक तो फिर भी हमारे कान में वो झिंगुर की आवाज होती है जिसकी वजह से हम कुछ दिन से आपका वो कार्यक्रम भी नहीं सुन पा रहे थे। बहुत तेज अजीब समझ। देखिए उसमें पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो है किस कारण से। कर्ण में झनकार आना कर्ण का रोग नहीं भी हो सकता है, वो कोई ऊर्ध्व जत्रुप यानी कि मस्तिष्क का रोग हो सकता है, उसके कारण भी आ सकती है। तो ये एक आप मुझे आपने फॉर्म भरा है गूगल फॉर्म वो मतलब वो पेशेंट नहीं अभी नहीं भरे अभी नहीं, तो अभी दीजिए और जितने भी रिपोर्ट है वो भेज दीजिए, क्योंकि बहुत लोगों के ऐसे प्रश्न थे कि कान में उसको रात को सुनाई देता था अलग अलग आवाज, उसको टू टू ऐसी आवाजें सुनाई थी, किसी को ऐसी आवाजें सुनाई थी। उसने कर्ण के सारे लोगों को दिखा दिया, यहाँ से चेन्नई तक दिखा दिया, लेकिन उसको आयुर्वेद की दृष्टि से हमने जब ये 1.5 साल पहले की बात है तब देखा तो उसको मस्तिष्क का रोग था, तो वो नस्य से मिटा बाद में जा। अब कान की हम तकलीफ कान की लगती थी नहीं कान की, वो थी मस्तिष्क की तकलीफ। तो ऐसा भी हो सकता है आपको भी कि वो कान की तकलीफ ही ना हो, हम कान की चिकित्सा करते। तो इसके लिए आप अपने सभी रिपोर्ट सभी अपलोड कर दीजिए वहां पर। और एक बात सब लोग याद रखें, गूगल फॉर्म की व्यवस्था है, थोड़ा सीख कर थोड़ी तकलीफ लेकर करें ताकि आपका डेटा हमारे पास रहे, और हम जिनको नहीं मिला है वो लोग हमको बताए कि हमको नहीं मिला है तो उनको हम दूसरी बार भेजते हैं। एक बार सबको भेज दिया है जितने आज तक हमारे पास कल तक परसों तक आए थे, भेज दिया है 225 या 20 लोगों को, और लोग जो बाकी है 235 में से। तो आपका क्रम अवश्य याद रखे गूगल फॉर्म का क्रम, ताकि फोन करे तब आपको क्रम बताना रहेगा तो अभी वो आसान रह जाएगा। एक दिन में नहीं दो दिन में मेरा कॉन्टेक्ट हो जाएगा आपको, तो धीरे धीरे कॉन्टेक्ट एक दो दिन न हो तो कोई तकलीफ नहीं, उसमें सब दवाई लिखी होती है। कभी आपका कोई प्रश्न है कि दवाई के अनुसार उसका नाम नहीं, नाम के अनुसार नंबर नहीं है, या आपके नाम और नंबर अलग अलग आते हैं कुछ, तो आप उसको इंक्वायरी में पूछ सकते हैं। वो बात मुझे नहीं पूछनी, वो पूछना है कि मेरा नंबर ये है और मेरा नाम ये, तो इसकी ही दवाई है या दूसरी। अपना नाम और नंबर चेक कर लीजिए एक बार, जब भी आपको कोई परफॉर्म मतलब ये फॉर्म मिलता है लिखा हुआ आपको मेल आता है तब वो चेक करिए कि आपका ही है ना, कहीं गलती से दूसरे का नहीं चला गया ना आपको, वो एक आपका नाम देख लीजिए, बस इतना है। और दो तीन दिन में लगभग लगभग सबको दूसरे नए लोगों को भी जवाब मिल जाएगा, नहीं मिला है वो लोग फोन करे कल। जी आगे सादर प्रणाम जी, मेरे दो प्रश्न है गुरु जी। एक तो माइग्रेन के लिए क्या मेडिसिन ले सकते हैं या सावधानी रख सकते हैं, और दूसरा क्या सर्दियों में सरसों के तेल का भी नस्य करते हैं क्या गुरु जी? सरसों के तेल का नस्य तो बहुत कम करते हैं क्योंकि वो उष्ण भूत होता है, उससे खून आने की संभावना हो सकती है, इसके लिए सरसों के तेल का नस्य न करें। सरसों के तेल लगाइए जब भी, सरसों का तेल मेज में कहाँ उपयोग होता है, जहां पर हमको दर्द बहुत होता है पेन होता है वहां पर सरसों के तेल को मतलब सरसों के तेल के मेज में जो तेल बनता है उससे हम मसाज मतलब उस स्थान पर मसाज करते हैं, लेकिन वो नस्य के लिए। एक बात, दूसरा क्या पूछा आपने?
आचार्य माइग्रेन 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 का तकलीफ के लिए आपको है तो आप गूगल फॉर्म भर दीजिए, उसमें एक दो दवाई आती है, कपा गोदंती कैप्सूल है तो वो माइग्रेन के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है, तो ये आप उसका उपयोग अपा गोदंती कैप्सूल का कर सकते हैं, उसको माइग्रा कैप्सूल भी कहते हैं, तो उसका आप उपयोग करिए। और बाकी के विशेष रूप से आप नस्य का भी प्रयोग करें, यष्टिमधु नस्य का प्रयोग करें, तो आप गूगल फॉर्म भर दीजिए ताकि वो किस प्रकार का शीर्षक है छह में से वो हमको पता चलेगा, तो हम विशेष रूप से उसको देख सकते हैं। आगे प्रणाम गुरुजी जी, बताइए आपके गुरुकुल में कोई शक्ति वर्धक और सब धातु वर्धक कोई औषधि है अभी? शक्तिवर्धक औषधियों में च्यवनप्राश औले, अल्फा अल्फा प्राशन और ये मेधी रसायनम, ये सभी खास करके च्यवनप्राश और एक धातु पुष्टि चूर्ण करके है और एक विटा शक्ति कैप्सूल है, वो सारी धातु वर्धक और पुष्टिदायक ही है। धातु पुष्टि चूर्ण उसमें दूध के साथ लेना होता है सुबह शाम एक एक चम्मच, विटा शक्ति कैप्सूल भी ऐसी ही है और च्यवनप्राश भी ऐसा है जी, या धातु पुष्टि प्राशन का भी उपयोग कर सकते हैं। तीन बात याद रखें, धातु पुष्टि प्राशन, धातु पुष्टि चूर्ण और विटा शक्ति के औषधि, ये तीन है मुख्यतः से धातु को बढ़ाने के लिए और विशेष शक्ति के जी। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, मेरी वाइफ को बेबी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, उसका फॉर्म आप भर दीजिए, गर्भ संबंधित फॉर्म है वो भर दीजिए, तो उसमें क्या तकलीफ है वो हम उसको बता सकते हैं और उसके लिए हम दवाई लिखकर आपको भेज सकते हैं, वो सारे के सारे लोगों को भी मिल गया होगा गर्भ संबंधित फॉर्म का जी। मैं फॉर्म आपको फॉरवर्ड करूंगा सर जी, फॉर्म फॉरवर्ड कर देंगे जी, फॉर्म फॉरवर्ड कर दो जी, जी, आगे प्रणाम आचार्य जी। मेरे दो प्रश्न हैं, पहला तो ये कि अगर ऑप्टिक नर्व में कोई एक बार प्रॉब्लम हो जाए तो क्या वो ठीक हो सकती है, और दूसरा अगर ये मेमोरी ऑयल अगर उसमें गाय का दूध नहीं मिलता है तो उसको क्या भैंस के दूध में या किसी और तरीके से ले सकते हैं? देखिए उसको शुगर केन का पाउडर आता है, बतासा का पाउडर, उसके साथ ले सकते हैं, बूरे के साथ ले सकते हैं, भैंस का दूध भारी होता है उसके साथ ना ले तो अच्छा है, तो चक्षुषीय भी नहीं है वो, मतलब उसका मेमोरी का भी फायदा नहीं करेगा, तो उसका बूरा के साथ या फिर कोई नेचुरल चीनी जैसा हो तो ले सकते हैं, नेचुरल खांड के साथ, तो ये एक हो गया। वो नव का जो आपने बताया तो उसको तो आपका किस अवस्था में है वो देखना पड़ेगा, उसी के बाद हम बता सकते हैं कि वो क्या बोलते हैं कि एक बार प्रेशर बहुत ज्यादा तेज आंख में बढ़ा था, उसके बाद से एक आंख की रोशनी कम हो गई, तो मैं समझ गया इसके लिए वो प्रेशर के ऊपर जी जी हाँ बोलिए, तो उसके बाद सारे टेस्ट कराने के बाद भी उसमें कोई मतलब डॉक्टर ये नहीं बता पाए कि क्या प्रॉब्लम है, बस एक आंख की रोशनी कम हो गई है और आंख में दर्द हमेशा बना रहता है, तकलीफ पता नहीं चल रही है, कह रहे आंखों तकलीफ, आंख में दर्द बना रहता है और समझ गया। मतलब आपने गूगल फॉर्म भरा था? हाँ जी भरा था। इस विषय को लिखा था? जी हाँ लिखा था। हाँ तो उसके ऊपर दवाई तो आपको लिखी होगी कुछ? जीवंती जीवंती लिखी होगी। तो वो चालू है अभी? हाँ जी। ओके तो उससे फायदा है कि नहीं है? अभी तो नहीं है, अभी तो कोई। कितने दिन हुए हैं अभी? अभी हुए 15 दिन हुए हैं। ठीक है, अभी एक महीना उसको चलाना है, नहीं यदि दो बार हाँ बराबर, और उसको फिर मुझे बताना है ये कैसा है, तो मैं और आपको सजेस्ट करूंगा चक्षु के हाँ। लिए अक्षीकर्म, ठीक है? नहीं मुझे ये पूछना था कि ऑप्टिक नर्व अगर एक बार प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि वो नहीं ठीक नहीं होती है, लेकिन आयुर्वेद में सर
होती है वो हो भी सकती है, उसके लिए आयुर्वेद में अक्षी के लिए अक्षी तर्पण बताया है। तो मैं ये यहाँ नहीं होगी लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा, या तो विशेष औषधियों आपको मैं लिख कर दूंगा जो दूसरी कंपनी बनाती है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से उसके अनेक प्रकार है और वो हो भी सकती है, एक बार फेल हो गई या एक बार कुछ हुआ तो नहीं होगी, ऐसा नहीं है आयुर्वेद में, उसके हो सकती है जी। अच्छा। आगे बताइए। नमस्ते आचार्य जी। जी ये अगर किसी का कुछ पानी से या तेल से स्किन जल गया तो जल्दी हीलिंग के लिए क्या मलम है या और कुछ है? हमारे यहाँ एक मिलता है, उसका नाम है लाक्षा मलम, लाक्षादी मलम। तो और होम रिमेडी कोई बोलता है मधु लगा लो, कोई हल्दी लगा लो, ऐसा कुछ? मधु में आपको ये है कि छाछ होती है ना, वो सबसे उपयुक्त है। तो आप छाछ में उसको ये कर सकते हैं। कुंवारी होती है, कुमार मतलब जो उसको कहते हैं हम जित कुमारी, कुमारी एलोवेरा का जो ऊपर का वो हटा कर अंदर से जो निकलता है ना, वो कोई भी वस्तु जल जाए उसकी अर्जेंसी में चिकित्सा इससे होती है। तो उसका बीच वाला जो डाला ना बहुत हीलिंग करेगा, मतलब आपको कहे आप कहे कि वो बहुत ही अच्छा, उसको आधा पेन तो वही के वही वो हो जाएगा। इसके लिए हम जब अग्निकर्म करते हैं तो एलोवेरा का ही वो लगाते बीच वाला। तो इसको और नहीं मिला तो दो तीन रास्ते हैं, एलोवेरा जेल है, उसके बाद ये मलहम है जातीय, मतलब ये लाक्षादी मलहम जी। तो लाक्षा का मलहम बहुत ही ठंडा रहता है और ये भी आप उपयोग, वो तो जले हुए होने पर बहुत ही उपयोग करता है लाक्षा का मलहम या एलोवेरा का ऐसा उसका बीज वाला जी। मधु नहीं है ना इसके लिए? मधु भी है, मधु भी है, घी भी है, लाक्षा भी है, ये भी है, मधु भी उतना ही है जितना ही है जी। ठीक ठीक, नमस्ते जी। गुरुजी मेरा प्रश्न गौमूत्र अर्क के बारे में है कि गौमूत्र अर्क का क्या हमारे आयुर्वेद के अंदर कोई इसका वर्णन मिलता है? आजकल बहुत गौमूत्र अर्क चला हुआ है और वैसे गौमूत्र के बारे में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, गौमूत्र अर्क के बारे में बताइए। एक तो अर्क की कल्पना समझनी है, आयुर्वेद में अर्क प्रकाश अर्क संहिता दो ग्रंथ है, उसमें किस चीजों के अर्क निकालने हैं उसके विवरण दिया गया है, उसमें गोमूत्र का वर्णन नहीं। तो एक तो ये हो गया कि गोमूत्र का तो नहीं है, लेकिन बाद में वो गलत नहीं है, वो अच्छी बात है। शास्त्रों में आप देखेंगे तो एक रीति होती है, एक मर्यादा होती है कि वो बहुत कुछ बातें उसमें लिखी नहीं जाती है। दूसरा ये है कि गोमूत्र के जितने गुण तो नहीं मिलते हैं गोमूत्र अर्क में, तो एक अर्जेंसी में हमने गोमूत्र को चालू किया है। गोमूत्र ताजा लेंगे तो बेस्ट है, अनेक रोग उससे दूर होते हैं, उसको व्यवस्थित विधि से लेंगे तो बहुत ही परिणाम मिलते हैं, वो परिणाम हम अपेक्षित नहीं कर सकते गोमूत्र अर्क से। तो इसके लिए गोमूत्र तो अब लेते नहीं थे, इसके लिए शुरू किया था, वो एक वास्तविकता है। दूसरा अच्छी बात यह है कि अब गोमूत्र को अलग अलग नेचुरल वस्तुओं से प्रिजर्व करके उसको गंध को निकाल करके उसको लेने की एक भाई ने विधि उसने विकसित की है, उसके टेस्ट हमने किए हैं, उसके गुण ऐसे ही रहते हैं। तो गुरुकुल से अभी जो कैंसर की ट्रीटमेंट चालू हो रही है, अलग 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 प्रकार के कैंसरों की, जो हमने एक पंचकर्म सेंटर अभी राजकोट में एक संस्था का था वो हमने संभालने के लिए लिया है। तो उसमें क्योंकि राजेश्वर राव जी ने प्रचार किया, उसके बाद बहुत फोन आए पंचकर्म के, खास करके रानी जी का आया बड़ौदा से, उसको स्किन की एक डिजीज थी, तो उसने पंचकर्म को मैंने सजेस्ट किया कि आप पंचकर्म वहां पर करवा ले, करवा लिया, 25-30 हज़ार का खर्च हुआ लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने उसको देखा तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी तेल की गलती हुई थी, मेरे पास डॉक्टर से बात कराई, तो हमने ऐसा विचार किया कि जो कर्नाटक वाले है दूर दूर वाले वो तो ठीक है, वो तो आ नहीं सकते है, उसको बहुत खर्चा होगा, तो वो तो वहां तक डॉक्टर के साथ बात करवा दे हमारी, वहां पर हम किसी डॉक्टर को सजेस्ट कर देंगे तो होगा। लेकिन जो नजदीक वाले है वो पंचकर्म कराने के लिए थोड़े दिन 1-2 महीने में ही यहाँ आ सकेंगे और उसको हम ये व्यवस्था बहुत ही मतलब करवाएंगे, तो ऐसा कुछ हम करेंगे ताकि उसको सुविधा मिले। गोमूत्र का भी ऐसा है कि कैंसर ट्रीटमेंट करना ही है
हम चालू कर रहे हैं अभी स्पेशली उसके लिए अलग 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 बटी गुटी बनाई है, फला तक का प्रयोग किया है, वीट ग्रास का है, तो ये गोमूत्र भी स्मेल बिना और टेस्ट बिना का ऐसा अभी तैयार किया है, तो हमारे थोड़े ही दिन में हमारे पर उपलब्ध हो जाएगा वो, तो वो लोग आसानी से ले सकते हैं। दो रोगों में आपको मुख्यता से उपयोग करना है गोमूत्र का, गोमूत्र ही लेने जैसा हो जाएगा तो पूरे गुण गोमूत्र के मिलेंगे, जो अर्क में कम संभावना होती नहीं मिलते हैं, तो एक बात ये याद रखें। दूसरा, किसी को टीबी है तब गोमूत्र का उपयोग नहीं करना है, कोई व्यक्ति का शरीर बहुत ही पतला है उसको गोमूत्र नहीं लेना है, दो बात याद रखें, वो लेखन कर्म करता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं लेना है, तो ये खास ध्यान में रखते हुए इसका प्रयोग करें गोमूत्र का। जिसी को बहुत हेवी बॉडी है, ब्लड प्रेशर है ऐसा, तो वो उसको आप दे सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा काम करेगा, उस कैंसर के पेशेंट को बहुत ही अच्छा काम करेगा, गांठे है उसको बहुत ही अच्छा काम करेगा, तो इसको आप दे सकते हैं। केवल एक तकलीफ थी जो स्मेल की थी वो निकल गई, तो उसके लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं जी। समय हो गया है तो अगले क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वो कल लेंगे। कल राजेश्वर जी ऐसा करेंगे, जो लोग पहले जुड़ जाते हैं उसके हम प्रश्न पहले ले लेंगे, ताकि अंत में जुड़कर कोई सीधा प्रश्न न करे, समझ गए ना, आपको प्रश्न पूछना है तो उसको पहले जुड़ना होगा, तो इसके लिए राजेश्वर जी पहले आकर हैंड रेज कर देंगे उसको हम पहले। ये मैं टेक्निक बोला था, ये टिप दिया था मैंने लोगों को। अच्छा नहीं, ये आप बोलिए, क्योंकि वो क्या है कि बहुत लोग अंत में आ जाते हैं प्रश्न करते हो, लेकिन सेशन नहीं, तो बहुत कुछ प्रश्न तो हमने सेशन में ही बता दिए, तो वो अकल ऐसा हुआ हमको, मतलब एक जगह कार्यक्रम था उसमें हुआ, उसने प्रश्न ही ऐसा किया जिसकी बात मैंने सेशन में कर ही दी थी, मतलब तो मैंने कहा ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, वो बोले कि नहीं मैं तो बहुत बाद में आया, तो मैंने कहा तो वो मेरी गलती है कि मैंने बात कर दी, आपके आने के बाद मुझे बात करनी चाहिए, तो ठीक है, तो जल्दी जुड़ जाएंगे लोग, टाइम से जुड़ जाएंगे तो हम उसकी बात पहले ही उसके क्वेश्चन का हम ले लें जी। करेक्ट आचार्य, जो पंक्चुअल है उनको मौका मिलना ही चाहिए जी जी, ये मतलब इसको बोनस बोल सकते हैं या जी जी आचार्य। अच्छा जी, गंडुश के लिए बेस्ट आयल कौन सा है, गंडुश जो आयल पुलिंग के लिए, गंडुश उसके लिए बेस्ट ऑयल है वो हम नहीं बनाते, दूसरे लोग बनाते, ईरे में दादी तेलम, ईरे में हम थोड़े दिन में बनाएंगे, और एक है हमारा माउथ क्लीनर है, उसको पानी में डालकर उसके करने होते हैं, और कोई रोग है तो उसके लिए कोई भी कंपनी बनाती है, बहुत सारी कंपनी बनाती है, उसका नाम है ईरे में दादी तेलम, उसका उपयोग कर सकते हैं आप, वो वहीं पर मिल जाता है नजदीक में आपके आपसे जी। ओके, कोई कच्चे घने तेल यूज नहीं कर सकता आचार्य जी, और कोकोनट ऑयल या तिल ऑयल नहीं करता, तिल ऑयल बहुत ही अच्छा है, जिसको दांत को मजबूत करना है वो तिल तेल के गंड यूज कर सकता है, तिल का तेल बहुत ही अच्छा है, कोकोनट का नहीं, तिल का तेल। ओके आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अब सबसे विनती है, कल भी सेशन है, सिर्फ अपना फैमिली तक ही ये मिलना है बोल के मत सोचिए, पूरा भारत एक ही फैमिली है, तो सबको ये फॉरवर्ड कीजिए, तो मिलके जो है घर घर तक ये ज्ञान पहुंचाएंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद सिंगापुर शिव प्रसाद जी, कल रात को 9 बजे मिल रहे हैं हम सब लोग, जल्दी जुड़िए प्लीज, थैंक यू।